झूठे केस डालने से पत्नियों को क्या नुकसान हो सकता है, आज हम इस वीडियो के थ्रू इसकी जानकारी लेंगे। नमस्कार भारत, मैं हूं एडवोकेट रीता वर्मा। अगर पत्नी अपने पति पर और उसके परिवार वालों पर या उसके रिश्तेदारों पर झूठे केस डालती है, जैसा आए दिन हम देखते हैं कि दहेज का केस डाल दिया, डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाल दिया, ये दो केस तो ऐसे हैं कि जो बिल्कुल रूटीन मैनर में आ गए हैं और पत्नी अपने परिवार, अपने ससुराल वालों के ऊपर और पति के ऊपर डाल देती है, ये सोचकर कि जब अगर मैं इस तरह के केसेस डालूंगी तो मेरी डिमांड्स पूरी होंगी और इनकी समाज में बदनामी होगी। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि अगर आप झूठा केस डालती हैं तो पति और उसके परिवार से ज्यादा आपका नुकसान होता है, आपके परिवार का नुकसान होता है, इसलिए आप सबको झूठे केस डालने से बचना चाहिए। आप लोगों के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं आज इस वीडियो में आप ये समझिए। सबसे पहले तो पति आपके अगेंस्ट केस जीत जाएंगे, उसके परिवार वाले केस जीत जाएंगे, क्योंकि झूठा जो केस होता है वो कभी भी कोर्ट में आप जीत नहीं सकते। कहीं ना कहीं आप गलती कर देंगे, आप पहले दिन से ही गलती कर देंगे जब पुलिस स्टेशन में आप अपनी कंप्लेंट लेके जाएंगे, क्योंकि उसमें आप बयान में कुछ लिखेंगे, कोर्ट में कुछ रिकॉर्ड कराएंगे, क्योंकि झूठ है वो आपको याद रहने वाला नहीं है। सच किसी के साथ अगर होता है तो उन लड़कियों को, उन औरतों को, उन पत्नियों को एक एक चीज डेट वाइज याद रहती है, लेकिन जब आप झूठा केस डालती हैं तो आप जो थाने में बयान देती हैं वो कोर्ट में बदल जाते हैं, और जो कोर्ट में आप बयान देती हैं वो आपके क्रॉस एग्जामिनेशन में बदल जाते हैं। तो पति इस चीज का पूरा फायदा उठाएंगे और आपके ऊपर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस भी डाल देंगे, 340 का एप्लीकेशन भी कोर्ट में लगा देंगे, जहां पे कोर्ट भी आपके अगेंस्ट इंक्वायरी कर सकती है और आपके गवाहों के अगेंस्ट इंक्वायरी कर सकती है। इसके अलावा पति आपके अगेंस्ट केस तो डालेंगे ही, क्रिमिनल केस भी डालेंगे, मानहानि का मुकदमा भी डाल सकते हैं, डिवोर्स का केस आपके अगेंस्ट फाइल कर सकते हैं, जो आपका सबसे बड़ा लॉस है, क्योंकि अगर आप झूठा केस फाइल कर रही हैं तो आप डिवोर्स तो बिल्कुल नहीं चाहती अपने हस्बैंड से, क्योंकि अगर आपको सच में उन्होंने परेशान किया है तो आप खुद कोर्ट में बोलती हैं, उसमें पति को डिवोर्स का केस लाने की जरूरत नहीं होती, आप खुद बोलती हैं कोर्ट से कि हमें इनसे डिवोर्स चाहिए, इन्होंने हमारी लाइफ को इतना खराब किया हुआ है कि हम सोच भी नहीं सकते कि इनके साथ रहें, पति डिवोर्स का केस डालेंगे। उसके अलावा जो पति के परिवार वाले हैं, उनकी मदर है, उनकी सिस्टर है, जिनके ऊपर आपने झूठे आरोप लगाए हैं, जिनके साथ आपने गाली गलौज किया है और भी उनको परेशान किया है, मानसिक यातनाएं उन्हें भी आपने दी है, वो भी आपके अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाल सकती हैं। इसके अलावा पति आपका मेंटेनेंस भी कैंसिल करा सकते हैं कोर्ट से, अगर कोर्ट को ये दिखाई दे गया या कोर्ट ने ये ऑब्जर्व कर लिया पति की पिटीशन से कि आपने जानबूझकर साजिश के तहत घर छोड़ा है और आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी पति के घर में नहीं थी और आपके पास सोर्सेज भी हैं इनकम के, आप सिर्फ उनको परेशान करने के लिए इस तरह का केस डाल रही हैं और आपकी हैबिट में है फॉल्स केस बनाना, फॉल्स कंप्लेंट बनाना, तो आपका मेंटेनेंस भी डिसमिस हो सकता है। इसके अलावा अगर चाइल्ड कस्टडी की मैं बात करूं तो बच्चे की कस्टडी भी आपके पति को मिल सकती है, क्योंकि अगर आपके पति कोर्ट में ये प्रूफ कर देंगे कि आपने झूठे केस इन पे डाले थे, इनको परेशान किया था, इनकी बदनामी कराई थी और बहुत सारी कोर्ट ने आपके अगेंस्ट एक्शन ले लिया है, पुलिस ऑफिसर्स ने भी आपके पति की कंप्लेंट पे आपके अगेंस्ट और आपके परिवार के अगेंस्ट एक्शन ले लिया है, तो चाइल्ड कस्टडी में भी पति ये बात प्रूफ कर देगा कि आप मेंटली स्टेबल नहीं है, ये तो आपकी हैबिट में है कि आप इस तरह से फॉल्स कंप्लेंट करती हैं और तंग करती हैं, तो चाइल्ड कस्टडी भी आपके हाथ से जा सकती है। उसके अलावा आपको ससुराल का घर भी छोड़ना पड़ सकता है, क्योंकि अगर वो प्रॉपर्टी आपके मदर इन लॉ या फादर इन लॉ की है, सास ससुर की है, तो वो भी कोर्ट में केस डाल सकते हैं कि भाई एक तरफ तो हमें इतना बदनाम कर दिया, इतना परेशान कर दिया, तो कोर्ट में वो अपना आपके अगेंस्ट केस लेके आ सकते हैं कि आपको रेंटेड अकोमोडेशन दिया जाए, रेंटेड हाउस दिया जाए, या जो आपके पति आपको फैसिलिटी दे सकते हैं आप उसी में रहें, तो जिस ऐशो आराम से आप रह रही थी, आप जिस सुख सुविधा से रह रही थी, वो सारी सुख सुविधा आपके छीन सकती है उस चीज से। इसके अलावा आपके अगेंस्ट नहीं, आपके परिवार के अगेंस्ट भी आपका पति और उसके परिवार वाले केस डाल सकते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का, कि आपने साजिश के तहत उनके अगेंस्ट गलत मुकदमे डाले और आपने उनको तंग किया। इसके अलावा पति आपके अगेंस्ट रिकवरी भी डाल सकते हैं, अगर आप उसके कोई डॉक्यूमेंट्स लेके आ गई हैं, उनके पेरेंट्स की ज्वेलरी लेके आ गई हैं, कोई प्रॉपर्टी के उनके पेपर लेके आ गई हैं, जब आपने घर छोड़ा है तो आप उनके भी डॉक्यूमेंट्स ले आई हैं, तो वो रिकवरी का केस भी आपके अगेंस्ट डल सकता है। इसके अलावा अगर आपने किसी भी केस में गलत गवाही दी है और गलत एफिडेविट कोर्ट में दे दिया है, तो भी पति आपके अगेंस्ट केस डाल सकता है कि आपने गलत गवाही दी है और गलत एफिडेविट दिया है कोर्ट को, क्योंकि एफिडेविट गलत करना देना ही अपने आप में बहुत बड़ा क्राइम होता है, आप अगर गलत गवाही देते हैं तो वो भी एक तरह से ऑफेंस होता है। तो बहुत सारे केसेस हैं जो आपके पति भी आपके अगेंस्ट डाल सकते हैं, उनके परिवार वाले भी आपके अगेंस्ट डाल सकते हैं, तो इसलिए आप सबको झूठे केस डालने से बचना है। अगर आपके साथ सच में क्राइम हो रहा है, सच में आप परेशान हैं, तो बिल्कुल फिर आप पीछे मत हटिए, फिर आप अपने केस को डालिए और उसको सही से लड़िए, लेकिन झूठे केस ना डालें, क्योंकि उसमें लॉस आपका
और आपके परिवार का ज्यादा है, और अगर कोई बच्चा है तो उसकी भी लाइफ उसमें बर्बाद हो जाती है, क्योंकि कोर्ट केसेस एक दिन में सेटल नहीं होते ना खत्म होते हैं। कोर्ट केसेस खत्म होने में बहुत लंबा टाइम लगता है, आपको अपना टाइम भी देना है और वकील की फीस भी अरेंज करनी है। तो इस तरह की झूठी चीजों से बचना चाहिए। आप अपने इस टाइम को, इतना प्रीशियस होता है, एक लाइफ होती है, उसको इस तरह से झूठे केसेस डालने में, अपने ईगो के चक्कर में, अपने एंगर इश्यूज के चक्कर में कि बहुत गुस्सा आ गया तो मैंने तो इसलिए डाल दिया था, उस सबको, इन सारी चीजों को ना करें। अगर किसी से ऐसी गलती हो गई है और आप में से किसी को भी लगता है कि आपने जो केसेस डाले थे वो ईगो के चलते डाले, या आपको गुस्सा आ गया था, या किसी ने आपको बोल दिया था, तो आप उन केसेस में सेटलमेंट करके अपनी लाइफ में, अपने बच्चे की लाइफ में, अपने परिवार की लाइफ में शांति ला सकती हैं और सही तरीके से अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकती हैं, अच्छी लाइफ जी सकती हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में जो मैंने लीगल जानकारी आप लोगों को दी, इसका आप यूज करेंगी और अपने इस चीज से आप बचेंगी कि इस तरह की गलती आप ना करें, क्योंकि नुकसान आपको होने वाला है, आपके पति और उसके परिवार को नहीं। मैं अपनी नई वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ फिर मिलूंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।